शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम्हारा संकल्प था प्रवास का, किंतु मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो तुम आए। क्यों? क्योंकि आप पीड़ा में थे। केवल इतना ही कारण नहीं था कि तुम मेरे पास आए, वत्स। विचार करना इस बात पर। जाओ अब पुत्र, यशस्वी भव। सिपाहियों, ज्ञात रहे, इन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मुझे मेरे आर्य से मिलने दीजिए, मिलने दीजिए मुझे मेरे आर्य से। प्रकार तुम्हारे पुत्र ने मेरा हृदय जलाया है, उसी प्रकार ये नमक तुम्हारे घावों को जलाएगा। तुम्हारा पुत्र गया है महामुनि को लाने। महामुनि को हस्तिनापुर ले आकर वो तुम्हारी मुक्ति मांगने की इच्छा रखता है। मूर्ख है वो। महाराज तुम्हें मुक्त करे, उससे पूर्व ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसका शिरच्छेद क्यों नहीं कर देते महोदय? नहीं कर सकते। परंपरा है कि शिरच्छेद प्रातःकाल ही हो सकता है, और फिर इसकी पीड़ा देख के मुझे आनंद मिल रहा है। इसका त्याग कर शीघ्र मृत्यु देने का क्या प्रयोजन? मार खाते खाते ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। प्रातःकाल की प्रतीक्षा मत करना मदनजय, अन्यथा तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाएगी। मेरा पुत्र अवश्य सफल होकर आएगा, और विश्व की कोई भी माया या शक्ति उसका मार्ग नहीं रोक सकती। गंधरी, गंधरी, गंधरी।
यदि तुम्हें जीवन नहीं मिला तो मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। तुम्हारे पिता हमारा त्याग करें, उससे पूर्व हमें संसार का त्याग कर देंगे। चलो पुत्र, माता गंगा सभी पापों को पावन कर देती है। महामुनि व्यास, आपको हस्तिनापुर पहुंचाए बगैर मैं मृत्यु को निकट भी नहीं आने दूंगा। संकल्प है महामुनि, मैं आपको महारानी गांधारी तक पहुंचा कर ही रहूंगा। से किसी के संकल्प को किस प्रकार विचलित करोगे? तुम्हारा संकल्प था प्रवास का, किंतु मैंने तुम्हें यहां बुलाया तो तुम आए क्यों? मेरे संकल्प को आपकी याचना ने तोड़ा। सब माया है, मेरा कवच प्रकट नहीं हुआ, अर्थात सब माया है। महामुनि का संकल्प है कि वो अपनी तपस्या को भंग नहीं करेंगे। उनका संकल्प केवल मेरे समर्पण से टूटेगा, मेरी याचना से टूटेगा। Thank you.
अद्भुत पुत्र, अपने एकांत की सुरक्षा हेतु हमने इतनी यंत्रणाएं बनाई थी, किंतु उन सब को पार करके केवल तुम ही पहुंचे हो हमारे पास। क्योंकि मुझे मेरे पिता को न्याय दिलाना है। न्याय के लिए एक बालक को संघर्ष करना पड़े, ये तो उस राज्य की दुर्दशा का आरंभ है। चलो। परंतु पुत्र, क्या सूर्योदय से पूर्व महारानी गांधारी तक तुम मुझे पहुंचा पाओगे? मेरे जीवन का अंतिम प्रवास है, मुझे अकेले ही तय करने दो। महारानी गांधारी गंगा नदी में समाधि लेने जा रही हैं। उचित ही है, जिसका जीवन व्यर्थ हो उसे मृत्यु को आलिंगन देना ही उचित है। धृतराष्ट्र, शिव के वरदान को उसके दुर्भाग्य ने विफल कर दिया, एक पुत्र तक ना दे पाई मुझे। मूर्ख मत बनो, बंजर भूमि भी पूजनीय होती है। निसंतान स्त्री का स्तर सारे संसार में उच्च ही होता है। उसकी मृत्यु की कामना करना दुर्भाग्य को निमंत्रण है। तुम्हारी मृत्यु का समय निकट आ रहा है अधिरथ। Thank you.
साथ माता गंगा की ओर ले चलो। तुम्हारे पुत्र को भी तुम्हारे पास नरक में भेज दूंगा अधिराज। महामुनि व्यास को लेकर कर्ण आ गया है महोदय। मेरे पुत्र ने मेरी रक्षा कर दी मदन जय। मैंने कहा था ना, अब अपनी रक्षा की चिंता करो। भी नहीं पाए, आप तो बंद गए थे महामुनि की माया में। यथार्थ कह रहे हो बालक, असफल हो गया मैं। मेरी सफलता मैं आपको दे देता हूँ। मुझे सफलता का कोई मुंह नहीं, मुझे तो केवल मेरे पिताश्री की रक्षा करनी है। तो
तुम्हारी सफलता, अर्थात तुम महामुनि को ले आए। हाँ, वहां बैठे हैं महाराज और महारानी के साथ। बालक, तुम वास्तव में अद्भुत हो बालक, अद्भुत अद्भुत। किंतु मेरे पिताश्री का क्या होगा? सैनिकों, इस बालक के पिताश्री को राजसभा में ले आओ। बालक, महामुनि व्यास को यहां लाने का पुरस्कार अवश्य मिलेगा तुम्हें। अद्भुत अद्भुत। भाइयों, इसके पुत्र ने पराक्रम करके जीवन दान दे दिया इस हत्यारे को। स्वयं गिर जाता है, तुम भी इस कलंक को लेकर मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। जाओ, 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 जाओ।
की निर्दोषता सिद्ध करनी होती है पुत्रकर्ण। खोया हुआ सम्मान और कटा हुआ मस्तक फिर से प्राप्त नहीं होता। वत्स गांधारे, तुम्हारा कल्याण। शीघ्र ही भगवान शिव का वरदान सफल होगा। 100 पुत्रों के कलनाथ से तुम्हारा भवन गूंज उठेगा। मैंने 101 घड़ों में 101 जीव स्थापित किए हैं। 101 महामुनि, तुम्हें एक कन्या प्राप्त करने की इच्छा थी ना वत्स गांधारी। महादेव ने तुम्हें 100 पुत्रों के साथ एक कन्या का भी दान दिया है। इन घड़ों में औषधि और तेल में सारे जीव आकार प्राप्त कर रहे हैं। समय अनुसार एक एक कर सबके जन्म होंगे। प्रणाम महामुनि, मेरी बहन के पुत्र शीघ्र ही जन्म लेंगे गांधार राज शकुनी। महामुनि, मेरा पुत्र मेरे पश्चात कुरुराज का राजा तो बनेगा ना। पुत्र धृतराष्ट्र, तुम संतान प्राप्त करने का सुख भोगो। अपनी योजनाओं का भार अपनी संतान के सर रखकर उसके जीवन में क्यों महत्वाकांक्षाओं का विष घोल रहे हो? अभी तो वो जन्मा भी नहीं। समय से पूर्व समय की गति को जानना भी एक अभिशाप है। इसीलिए इस समय चिंताओं का त्याग करो वत्स, ये उत्सव का समय। आपने मेरे संतानों को जीवन देकर मेरी श्रद्धा को जीवन दान दिया है। आपकी कृपा के इस ऋण से कैसे मुक्त हो पाऊंगी मैं? कृपा और ऋण, अगर कृपा का ऋण चढ़ता तो मनुष्य ईश्वर की कृपा के तले दबकर मर चुके होते। ऋण उपकार का चढ़ता है, कृपा का नहीं। तुम्हारे माथे पर यदि कोई ऋण है तो वो उस बालक का जो हमें यहां तक लेकर आया। मैं उसके जीवन को सुख से भर दूंगी, से परिपूर्ण कर दूंगी महामुनि। कुछ जीवन सदा ही रिक्त रहते हैं। स्वाति नक्षत्र में वर्षा की बूंद पीने की आस में जी रही सीप जैसे सागर में रहकर भी प्यासी रहती है। उस बालक को जिसकी आवश्यकता हो वो देने का प्रयत्न करना वत्स। सैनिक, उस बालक और उसके पिता को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाए। जी महाराज।
आज तुमने हस्तिनापुर के सम्राट पर उपकार किया है। बताओ क्या पुरस्कार प्राप्त करने की इच्छा है? मेरे पिताश्री को मृत्युदंड दिया गया है महाराज। वत्स, मैं इसी क्षण तुम्हारे पिता के सभी अपराधों को क्षमा कर उन्हें मुक्त करता हूं। मैं पिताश्री की मुक्ति मांगने नहीं आया हूं महाराज। मांगने नहीं आए तो फिर क्या आशा है वत्स? क्या मांगने की इच्छा है तुम्हारी? मेरे पिताश्री को मृत्यु दंड दीजिए महाराज। मृत्युदंड? अपने पिता की मृत्यु की कामना करते हो? नहीं, उनके सम्मान की कामना करता हूं। जब मैं महामुनि को लेने गया था तब मेरे हृदय में केवल मेरे पिताश्री के जीवन का महत्व था, किंतु आज समझ में आया कि सम्मान से रिक्त जीवन और जल से रिक्त पौधे एक समान होते हैं। देह अदेह सूख ही जाते हैं इस आरोप के कारण उनका सम्मान टूटा है। या तो सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दीजिए, अन्यथा मृत्यु दंड दीजिए। तुम अपने पिता से उनके जीवन का अधिकार छीन रहे हो। नहीं, मैं अपने पिता को सम्मान का अधिकार देने का प्रयत्न कर रहा हूं। क्या तुमने अपने पिता से पूछा कि वो मृत्यु के लिए सज्ज है? मन मेरे पिताश्री की छाया है महोदय। मैं अपने मन को प्रश्न करता हूं तब उसका उत्तर मेरे पिताश्री देते हैं। अद्भुत अद्भुत हो तुम पुत्र कर्ण। सम्मान अधिकार, इन दो शब्दों का अर्थ अधिकतर मनुष्य मृत्यु तक नहीं जान पाते। क्या आशा है बालक? मेरे पिताश्री ने उस भुगत ग्राम के कुएं में विष नहीं डाला था। यदि डाला था तो समग्र समाज के सामने सिद्ध कीजिए कि मेरे पिताश्री ने अपराध किया है। अन्यथा स्वीकार कीजिए कि मेरे पिता को सम्मान का अधिकार है। अपराध का निर्णय प्रमाणों पर आधारित होता है। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम्हारे पिता ने
अपराध नहीं किया। जिसने वास्तव में अपराध किया है वही प्रमाण है कि मेरे पिता निर्दोष हैं। कहाँ है वो व्यक्ति, उसे इस सभा में उपस्थित करो। मैं नहीं जानता वो कौन है। आप उसे ढूंढिए महोदय। मेरे ताऊ कहते हैं कि अपराधी को ढूंढकर उसे दंड देना राज्य का कर्तव्य होता है। वो दंड हो तुम बालक। महामहिम, सत्य सदा उद्दंड ही होता है, असत्य को हाथ जोड़ने पड़ते। जीवन दान मांग लो, अधिकार मांगोगे तो तुम्हारे पिता को अवश्य मृत्युदंड प्राप्त होगा। शिक्षण दिया है कि हम सूत हैं, श्रम करके धन कमाते हैं, दान नहीं लेते। फिर उनके जीवन का दान किस प्रकार ले सकता हूं मैं। मैं उस अपराधी को राज्यसभा में अवश्य उपस्थित करूंगा। यदि नहीं कर पाए तो मृत्यु अवश्य प्राप्त होगी, फिर दया नहीं दिखाई जाएगी। अपराध सिद्ध हो ही नहीं सकता महोदय, मुझे मेरे पिताश्री पर पूर्ण विश्वास है। अन्यथा अपराध के विचार से ही उनकी मृत्यु हो जाती। कल प्रातः काल तुम अपराधी को प्रस्तुत करो, अन्यथा तुम्हारे पिता को दंड प्राप्त होगा। समय है, दान मांगो, अधिकार नहीं। मेरे ताऊ कहते हैं कि अधिकार तो ईश्वर देता है, मनुष्य तो केवल उसे स्वीकार करते हैं। ये क्या किया तूने, कहा क्या विचार कर कैसा अनुचित वरदान मांगा। पिताश्री की आंखें सदा आकाश को देखती थी, भूमि पर गड़ी आंखें मैं नहीं देख पाया। माता, ग्रामजनों के शब्दों से जब पिताश्री का अंतर जल रहा था मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि समग्र सृष्टि जल रही है, और इसलिए तुमने अपने पिता के लिए मृत्यु दंड मांग लिया। नहीं माता, भ्राताश्री ने सम्मान का अधिकार मांगा है। सम्मान का अधिकार मांगा है? मूर्ख हो तुम दोनों। जन्मे हो
चला, वो भी किससे? उन क्षत्रियों से, ऊंचे वर्ण के समाज से, अरे जो हमें क्षमा तक नहीं करते, उनसे न्याय मांगने चला। विषैले नाक से आलिंगन की आशा कौन करता है? इस तरह तो तुमने जीते जी अपने पिता की चिता जला दी। राधा, वृक्ष को हठपूर्वक मोड़ कर रख दो, कुछ काल पश्चात वो सीधा होना भूल जाता है। तुम्हारी स्थिति ऐसी ही है, हमारे समाज की स्थिति ऐसी है। हमें सम्मान और स्वतंत्रता का मूल्य ही अब समझ में नहीं आता। किसने मांगी स्वतंत्रता आपसे? किसे अपने जीवन से पीड़ा है? केवल आपको। चेट जी, जिन्हें सुख के स्वप्न देखने में रुचि है, उनकी निद्रा तोड़ने का यज्ञ क्यों आरंभ किया आपने? और उस यज्ञ में मेरे आर्य की बलि क्यों देना चाहते हैं आप? नहीं माता, पिताश्री का बलिदान नहीं होगा, भ्राताश्री पे विश्वास रखिए। मैं वचन देता हूं माता, मैं पिताश्री को मुक्त करवा कर रहूंगा और उन्हें मिथ्या सिद्ध करूंगा जिन्होंने हमें न्याय नहीं दिया। मशाल दोनों बुझ गए, मैं पुनः जला देती हूँ। कुएं के जल में विष डाला है, उसे बंदी बनाना होगा। अवश्य ये कार्य ग्राम रक्षक ने किया था, अन्यथा पिताश्री को बंदी बनाकर इतनी पीड़ा क्यों दी उसने? राजसभा में कर्ण के कारण उनका अपमान हुआ था, अवश्य उसी का प्रतिशोध ले रहे हैं वो। लोहारों और सूतों में संघर्ष करवा कर कर्ण को अपराधी घोषित करने की इच्छा है उनकी। यदि ऐसा है तो विष अवश्य उद्यक्ष ने मिलाया होगा। मेरे पिताश्री कह रहे थे कि ग्राम रक्षक के सारे नीच कार्य वही करता है। मैंने
सुना है कि उद्यक्ष महोदय जंगल के रास्ते शिव मंदिर की ओर जा रहे हैं। चलो इसका दमन करना होगा हमें। आरोप के कारण उनका सम्मान टूटा है। या तो सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दीजिए, अन्यथा मृत्यु दंड दीजिए। अधिकार तो ईश्वर देता है, मनुष्य तो केवल उसे स्वीकार करते हैं। कल्याण हो महामहिम। महामुनि कल्याण हो। आप किस चिंता में पड़ गए? मनुष्य के जीवन को सरल बनाने के लिए जो व्यवस्थाएं निर्मित की जाती हैं, उनके भंग हो जाने की चिंता, जिसका प्रथम चिन्ह मैंने राज्यसभा में देखा है। आज एक सूत का बालक भरी सभा में यह कहकर चला गया कि उसके साथ अन्याय हुआ है। अगर ये वास्तव में सत्य है तो ये व्यवस्था अनुचित है। क्षत्रियों का व्यवहार अनुचित है। राजा पर प्रजा का विश्वास उठ जाए, रक्षक पर प्रजा संदेह करने लगे, प्रजा असंतुष्ट हो तो उससे विद्रोह जन्म लेता है। क्या नीच वर्ण के मनुष्य को सम्मान और न्याय का अधिकार नहीं? नहीं महामुनि, ऐसा कदापि नहीं। सम्मान और अधिकार, इन दोनों में किस प्रकार भेद हो सकता है? सभी तो परमात्मा के अंग हैं। किंतु व्यवस्था ऐसी हो गई है कि नीच वर्ण के मनुष्य का दमन और शोषण होता है।
किंतु प्रत्येक मनुष्य को शस्त्र उठाने का अधिकार भी तो नहीं दिया जा सकता। अंकुश से अनुशासन रहता है और अनुशासन से न्याय। यथार्थ कह रहे हैं आप, किंतु शस्त्र धारण करने वाला अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान का त्याग कर रहा है, ये भी तो सत्य है। अर्थात एक उत्तम व्यवस्था शोषण का कारण बनती जा रही है। और एक बात स्मरण रहे महामहिम, सत्ययुग समय का प्रथम खंड था, तब मनुष्य समाज में गुण अधिक थे, इसलिए वर्ण व्यवस्था मनुष्य के मूल्य और सम्मान का आधार नहीं था। किंतु समय के साथ दुर्गुणों की वृद्धि होती, त्रेता में ज्ञान समाज के छोटे भाग में सीमित हो गया, द्वापर में सामर्थ्य इसी प्रकार क्षत्रियों तक सीमित हो गया। ज्ञान और सामर्थ्य पर सामान्य प्रजा का अधिकार चला गया। इसी कारण से आने वाले कलयुग में यही व्यवस्था दमन और शोषण का कारण बने और जब दमन होता है तो विद्रोह भी होता ही है। तो फिर आप ही बताइए महामुनि, ऐसी स्थिति में क्या उचित होगा? हम केवल अपने कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए ईश्वर के अवतार की प्रतीक्षा कर सकते हैं। व्यवस्थाओं को शुद्ध करने का प्रयत्न भी कीजिए महामहिम। सिंहासन पर धर्म और सामर्थ्य एक हो, ऐसा प्रयत्न कीजिए। यथाशक्ति समाज को सुख देने का प्रयत्न करें। महामुनि प्रणिपात। कल्याण हो। दाक्षरी, भ्राता पांडु के यहां से समाचार आया है। सब कुशल तो है विदुर? संतान का जन्म सदैव कुशल ही होता है महामहिम। पांडु का दूसरा पुत्र जन्म ले चुका है। भीम। महामहिम, धृतराष्ट्र को पुत्र का सुख कब प्राप्त होगा? पुत्र का सुख तो शीघ्र ही प्राप्त होगा। पुत्र से सुख प्राप्त होगा कि नहीं, ये प्रश्न है। कल्याण हो। Thank you.
संदेश है ताक्षरी। ताक्षरी, पुत्र का सुख तो शीघ्र ही प्राप्त हो, किंतु पुत्र से सुख प्राप्त होगा कि नहीं, ये प्रश्न है। पितुर, हमें शीघ्र ही गर्भगृह की ओर प्रस्थान करना होगा। राजभवन की दिशा में जा रहे हैं। माता कह रही थी कि जब भी कोई अमंगल घटना घटती है तो उसका आभास प्राणियों को सबसे पहले हो जाता है। ऐसी क्या घटना हो सकती है राजभवन में? जन का संकेत है गंधारे पुत्र। अब भी तुम्हारा जन्म क्यों नहीं हो रहा? शास्त्र कहते हैं जब भी एक महान शत्रु का जन्म होता है उसके साथ ही उसका वध करने वाला वो महान योद्धा भी जन्म लेता है।
तुम्हारा शत्रु जन्म ले चुका है पुत्र, पांडु का दूसरा पुत्र भी जन्म ले चुका है। अब तुम्हारे जन्म का समय है वंश। मेरी सभी आशाएं तुमसे जुड़ी है। जन्म लेकर अपने पिता के अशांत हृदय को शांत करो पुत्र, जन्म लो, जन्म लो पुत्र, जन्म लो पुत्र।